इस बीच तालिबान मीडिया मैनेजमेंट में जुट गया। तालिबान की नजर इस बात पर है कि मीडिया में उसके बारे में क्या चल रहा है, इसीलिए तालिबानियों की सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव हो गई। इसके साथ साथ तालिबानी आतंकियों को रिपोर्टर बनने का भी शौक है। बस फर्क यह है कि जो तालिबानी माइक लेकर सवाल पूछता है उसके साथ दूसरा बंदूकधारी तालिबानी भी साथ में होता है, जो मन मुताबिक जवाब न मिलने पर गोली भी चला सकता है। तालिबान के प्रवक्ता के ट्विटर अकाउंट से ऐसे वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं जिनमें तालिबानी रिपोर्टर लोगों से सवाल पूछकर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वहां जनता बहुत खुश है। आम अफगानिस्तानी नागरिकों की जवाब की जुबान गन पॉइंट पर है, वो जो महसूस कर रहे हैं उसे बोलने का अधिकार फिलहाल उनके पास नहीं, वो बहुत डरे हुए हैं। अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी उसकी एक पुअर लीडरशिप थी और उनका मनोबल बिल्कुल डाउन था, और दूसरा कहीं ना कहीं रीजन है जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन तालिबान की पाकिस्तान के थ्रू थी, मेडिकल फैसिलिटी, ब्रीडिंग ग्राउंड वहाँ था, और ऑपरेशन जो है प्लान हो रहे थे क्वाटा और पेशावर से, और इसके साथ साथ उन्होंने 20 से 25 हज़ार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और अलबदर के आतंकवादी भी भेजे तालिबान की मदद करने के लिए। तो ये एक दुख की बात है कि 4 महीने के अंदर ही ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो तालिबान ने ले लिया। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं, सिद्दीकुल्ला जो कि काबुल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।